ये अपना थर्ड वीडियो है जिसमें आज अपन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे गेट नेट और हाँ 2022 ईयर तक के इसमें इंक्लूडेड है। और जैसा कि मैं आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाती हूँ, तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो के अंदर अपन ने 70% इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, उसी के अपन यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन। तो एज अ क्विक रिकैप मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, वो आपका एक्चुअली बेस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, लाइक अ मीनिंग, ठीक है, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, कैसे अपन प्रिडिक्शन करते हैं कि कौन रिड्यूस हुआ कौन ऑक्सीडाइज होगा। सेकंड वाले लेक्चर के अंदर अपन ने जितने भी जो फॉर्मूला बेसिस थे, जैसे थर्मोडायनेमिकली जो इस पे रिलेशंस हैं ई नॉट पर डेल्टा एस डेल्टा जी डेल्टा एच, वो देख लिया था, हाँ। और अपन ने, हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अपन ने सेल रिप्रेजेंटेशन के कुछ रूल्स देख लिए थे। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीज मुझसे पहले गलत जाती थी बट अभी नहीं होती है। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने। इसके अंदर जितने भी आज मैं करवा रही हूँ वो ऑलरेडी अपन टॉपिक्स कवर कर चुके हैं लेक्चर 1 और 2 में। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि मुझे चीज नहीं आ रही है, आप प्लीज एक बार लेक्चर को देख लेना। और इसके बाद एक ही लेक्चर और आएगा जिसके अंदर अपन मीन आयनिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट नंबर, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल और डिबाय हकल समथिंग थ्योरी और इसके बात कर लेंगे, ठीक है। फिर अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और थोड़ा बहुत क्राफ्ट से, क्योंकि मैंने कोर्स लिया हुआ था जे केमिस्ट्री का, बताया हुआ है राइट, तो मेरे पास अभी कोर्स तो है नहीं, तो असाइनमेंट्स है मेरे पास जिसे को मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये, ऐसा नहीं कि मैं कहीं और से ला रही हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगी, है ना। तो मैंने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द कंपोजिशन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस स्पीशीज, अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने क्या बताया था, क्योंकि वो रिडक्शन का ही बताती है, तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कोई स्पीशी है एक इलेक्ट्रॉन लिया फिर रिड्यूस हो गई, ये होता है रिडक्शन, ठीक है। इसी का ही अपन नल्स इक्वेशन लिखते हैं, नल्स इक्वेशन हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल पे लिखी जाती है, ठीक है। तो अगर अपन इसका लिखेंगे E = E naught minus RT by NF ln K, K मतलब क्या, जैसे रिएक्टेंट अपॉन सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ये है, बट इसमें अपन को दिखा O by R, तो इसको अपन चेंज कर लेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा O by R कंसेंट्रेशन, ठीक है। ये दे रखी इसमें E square, तो अब इसको अपन E square कर लेते हैं, E square और ln E square क्या होता है, मतलब कि दो आगे आ जाएगा बस, तो E = E naught प्लस 2RT by NF, इलेक्ट्रॉन एक ही है तो N is equals to 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब E minus E naught यहां से ले जाएंगे, which is equals to 2RT by NF, तो A, तो इसका हो जाएगा A, ठीक है। The standard electron potential of this, अब ये लैटिमर सीरीज का है, ठीक है। The E naught of this of the same temperature is, अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि Fe plus 3 से Fe plus 2, ये से दे रखा है, ठीक है, एंड Fe plus 2 से Fe दे रखा है, ठीक है। इसको क्या चाहिए, Fe plus 3 मतलब इसका सम कर दोगे तो ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा जी मैंने कहा था डेल्टा जी सम कर सकते हैं, तो डेल्टा जी ऑफ 3 मतलब जो आपको रिजल्टेंट इसका चाहिए वो क्या है, डेल्टा जी ऑफ 1 प्लस डेल्टा जी ऑफ 2, ठीक है। अब ये क्या होती है, माइनस एन एफ ई नॉट, ई नॉट आपको फाइंड आउट करना है। अब एन देखो टोटल अपन को जो करना है Fe plus 3 से Fe के अंदर, इसमें कितना चेंज है 3 इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट वाली है, इसमें कितना चेंज है 1 का, तो माइनस 1, इसका E naught कितना दे रखा है 0.77, तो 0.77 माइनस एन एफ ई प्लस माइनस एन एफ ई। अब एन एफ ई यहाँ पे कितना चेंज है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो N is equal to what 2, ठीक है। और E naught कितना है इसका, E naught इसमें दे रखा है, सारे F यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, E naught है माइनस 0.44, ठीक है, कुछ नहीं तो कैलकुलेट कर लो, माइनस 0.77 माइनस माइनस प्लस 0.88 डिवाइडेड बाय माइनस 3, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लो, इसके बाद इसमें आ जाएगा माइनस 0.04 वोल्ट, दैट इज डी, ठीक है। ये सारे मैंने ऑलरेडी सॉल्व करे हुए, ठीक है, ऐसे में सोचो मैं डर करवा रही हूँ, जस्ट कि आपको स्ट्रेटजी पे जाना है, ठीक है। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टिविटी का एडिशन विल शो अ इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट, अब देखो ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं पढ़ा, मुझे याद नहीं है बट बता दी, जैसे आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट है, यहाँ पे कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस आपको इतना तो पता होगा कि नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे उतना ही कंडक्टेंस बढ़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्टार्टिंग में, तो इसकी कंडक्टेंस होगी, अपन जैसे बेस वाले से कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या दे रहा है, H प्लस, अब ये कन्वर्ट हो रहा है वाटर के अंदर, तो यहाँ पे H प्लस कन्वर्ट हो रहा है। अब सपोज करो यहाँ पे MH है, ठीक है, ये पहले H प्लस दे रहा था, M प्लस दे रहा था, अब यहाँ पे क्योंकि H और इसका बेस का OH माइनस होकर ये तो वाटर बनवा रहे, तो
बचा क्या एम प्लस, क्योंकि सॉल्ट जो बनेगा सॉल्ट भी तो अपना एम प्लस और समथिंग एक्स माइनस में डिसोसिएट हो सकता है ना, तो कंडक्टेंस डिक्रीज होती है बिकॉज क्या एच प्लस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एम प्लस, ठीक है, तो पहले डिक्रीज होगा क्योंकि एच प्लस सबसे हाईएस्ट कंडक्टेंस होती है, फिर एट अ सर्टेन टाइम जब सारा न्यूट्रलाइज हो गया अपन एक्सेस अपन ने डाला स्ट्रॉन्ग बेस तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी क्योंकि ओ एच माइनस नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें बोल रहा है कि इसने बोला है लीनियर इंक्रीज ऑफ द कंडक्टेंस, इसने बोला है कि ऐसा ग्राफ कब आएगा कि लीनियर इंक्रीज हो देन उसके बाद कॉन्स्टेंट है ना, ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस, तो इसमें कैसा आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है मतलब न्यूट्रलाइज तो हो ही रहा है, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो रहा है और एट अ सर्टेन टाइम क्योंकि एक्सेस बेस हो गया है तो ये उसके बाद ऐसे हो जाएगा, ये है बी ये है ए, ठीक है, वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, अब वीक एसिड है तो उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी नहीं और स्ट्रॉन्ग बेस आप डाल रहे हो तो ऑब्वियसली ये ऐसे करके इतना लीनियर समथिंग ऐसे देन ऐसे होएगा, ठीक है, तो ये अपना हो गया सी, बट इसने बोला है कि ऐसे डायरेक्ट इंक्रीज देन कॉन्स्टेंट, अब देखो वीक एसिड एंड वीक बेस स्टार्टिंग में कुछ वीक एसिड की कंडक्टेंस होगी आपने डाला न्यूट्रलाइज हो रहा है, न्यूट्रलाइज होने में तो सॉल्ट बन रहा है और सॉल्ट टोटली डिसोसिएटिव होता है तो नंबर ऑफ आयंस इजिली होगा कि वो इधर जा रहे हैं तो इंक्रीज करेगा जैसे पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अब बचा क्या वीक बेस एक्सेस में तो वीक बेस से खास कंडक्टेंस होती नहीं है तो ये हो जाएगा डी, ठीक है, ओके, द करेक्ट वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑफ द हाफ सेल, ठीक है, अब देखो अगर इसमें अगर अपन ऐसे जाए तो एक नया इक्वेशन लिखते हैं रिडक्शन की लिख सकते हैं ऑब्वियसली, तो रिडक्शन की अपन कैसे लिखेंगे, सपोज करो यही अपनी ऑक्सीडाइज स्पीशी है इलेक्ट्रॉन दिया रिड्यूस हो गई, ठीक है, ओके, अब इसने बोला है नॉट ऑफ द हाफ सेल ऑफ दिस मोलैरिटी, अच्छा ठीक है, इसने एक पर्टिकुलर सपोज करो कि यहाँ पे एक्वस है इसने कुछ इलेक्ट्रॉन लिया देन कुछ बन गया, ठीक है, माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन वन अपॉन एम लाइक रिएक्टेंट का लिख रहे हो ना, ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगा तो प्लस एम, ठीक है, तो इसने एल एन एम और इसमें किया तो इसका इंटरसेप्ट क्या हुआ ई नॉट, तो इसमें इंटरसेप्ट क्या है बी और बी डैश वाली लाइन, बी बी डैश वाली लाइन ये क्या है इंटरसेप्ट देखो तो ये हो जाएगा सी, ठीक है, तो डेनियल सेल, ठीक है, अब डेनियल सेल कौन सा होता है देखो सबसे पहले तो प्लेटिनम सॉलिड दोनों तरफ होते हैं, ठीक है, जिंक और कॉपर का होता है तो जिंक एंड कॉपर ओनली इन ए दैट इज ए, नेक्स्ट ई वाला जो क्वेश्चन है ना ये मैं आपको बाद में कराऊंगी जब अपन कंडक्टर्स कर रहे होंगे ना तो ये अपना क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन ये मैं बाद में कराऊंगी, इसका बी हो जाएगा और अभी ज्यादा समझाने लायक नहीं क्योंकि इतना ये क्या दो तीन चीज से कनेक्टेड है तो इसलिए मोलर कंडक्टिविटी अपना कंडक्टर जब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिस बात ही उसमें कर पाऊंगे, ठीक है, तो सिक्स का हो जाएगा बी, सेवन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दिस, अब देखो इसमें क्या बोल रखा है, अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब ई तो क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, ई नॉट इज इक्वल्स टू आर टी बाय एन एफ एल एन के, ठीक है, ये तो क्लियर है ना कि यहाँ पे अपना जो माइनस था तो अब ये जीरो हो गया तो ये प्लस बन गया, ठीक है, आर टी बाय एन एफ, ठीक है, तो अपन को फाइंड आउट क्या करना है फर्स्ट पहले ई नॉट निकालते हैं, ई नॉट क्या होता है ऑक्सीडाइज प्लस रिड्यूस स्पीशी, ठीक बात है, ओके, तो यहाँ पे देखो एफ ई प्लस थ्री से एफ ई प्लस टू जा रहा है इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन का जीरो पॉइंट सेवन फाइव एज इट इज, SN प्लस टू से SN प्लस फोर में जा रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा है 0.15, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा माइनस 0.15, ठीक है, तो ये तो अपना हो गया E नॉट ऑफ द सेल, ठीक है, ओके, और ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं ये अपना हो गया E नॉट विच इज इक्वल्स टू आर टी बाय एफ जो दे रखा है 0.06 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एल एन के, ठीक बात है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, चलो कर देते 0.75 माइनस 0.15 सॉरी प्लस 6.0 तो विच इज इक्वल्स टू 0.06 है ना डिवाइडेड बाय 2 लॉग के, यहाँ पे लॉग आएगा क्योंकि इसने ऑलरेडी ले रखा है इसके अंदर 2.303 वाला टर्म, ठीक है ना, तो 2.2 डिवाइडेड बाय 0.06 तो ये हो जाएगा 10 विच इज इक्वल्स टू लॉग के, तो 20 विच इज इक्वल टू लॉग के ये 10 की पावर 10 के बेस में तो 10 की पावर 20 विच इज इक्वल टू के, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी,
इक्वेशन फॉर द रिडॉक्स, ठीक है। तो इसमें अपन यही लिखते हैं, ये वाली फिर इक्वेशन है, अपन लिखा E इक्वल टू E नॉट माइनस, विच इज द करेक्ट नर्स इक्वेशन। तो यहाँ पे रिड्यूस स्पीशीज, ये होगी रिड्यूस, ठीक है। तो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन के, के मतलब क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। इसे सब में O बाय R दे रखा है, तो अपन इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा एल एन ओ बाय आर, ठीक है। तो फर्स्ट वाली तो गलत है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, हमें पॉजिटिव आएगा। सेकंड अपन ओ बाय आर के टर्म्स में लिखते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज बाय रिड्यूस, तो ई माइनस ई नॉट विच इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ एल एन ऑक्सीडाइज बाय रिड्यूस, ठीक है। अब ये सब यहाँ पे लेके जाओ, तो एन एफ बाय आर टी विच इज इक्वल टू दिस, और एल एन की बेस में क्या है ई, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा b, ओके, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं है, ठीक है। द सेल वोल्टेज ऑफ डैनियल सेल, ठीक है, इज दिस, मतलब इसमें सेल वोल्टेज दे रखा है e इक्वल टू 1.076, ठीक है। इफ द रिड्यूस पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज दिस, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इज व्हाट, ये दे रखा है e नॉट, ठीक है। इफ द रिड्यूस पोटेंशियल, अब देखो यहाँ पे क्या है, जिंक जा रहा है Zn प्लस टू में, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, एंड कॉपर प्लस टू क्योंकि डैनियल है कॉपर में, तो रिड्यूस इसका दे रखा है, तो E नॉट क्या होता है, E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट ऑफ रिडक्शन, ठीक है। E नॉट देता है 1.07, अब ऑक्सीडेशन मुझे निकालना है और कॉपर का मुझे दे रखा है, तो कॉपर का 0.34 प्लस ये मुझे निकालना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन निकाल रहे हैं अपन अभी, लेकिन इसमें रिड्यूस मांगा बाद में करते हैं, तो 1.07 माइनस 0.34 व्हिच इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, जिंक गोइंग टू जिंक प्लस टू, ठीक है। ये कितना है, माइनस कर दो, 7 से गया 3, यहां पे गया तो 7 0, ठीक बात है, क्योंकि यहां से हमारा अपन लिया तो 10 10 3 गया तो 7, ओके। तो ये आया ऑक्सीडेशन जिंक का Zn प्लस टू जाने में, बट इसने पूछा क्या है, द रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, माइनस लगा दो सिंपल, ठीक है। तो इट इज डी, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द सेल, ठीक है, अपन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, मतलब के निकालना है, तो उस टाइम पे ई सेल क्या हो जाएगा, 0 ई नॉट माइनस आर टी बाई एल एफ एल एन के, ये मुझे निकालना है, आर टी बाई एल एफ एन मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे 2 होगा, 2 है, E नॉट मुझे पता नहीं, अब E नॉट कैसे निकालेंगे, इसने एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कंसंट्रेशन दी है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसने E सेल दिया है, मतलब कि 1.71 व्हिच इज इक्वल टू E नॉट RT बाय NF 2F LN K, क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो अपन Q यहां पे निकाल लेते हैं, उस Q के लिए रिएक्शन लिख लो, ZN जा रहा है, ZN प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अब Fe प्लस 2 पहले लिखा है, इसका मतलब ये कि Fe प्लस 2 भी Fe प्लस 3 में, दोनों ऑक्सीडाइज थोड़ी हो सकते हैं, अगर सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड वाला ऑलरेडी ऑक्सीडाइज वाली जो चीज है वो लिखी हुई है, तो सॉल्ट ब्रिज के बाद क्या होगा, रिड्यूस स्पीशी, तो ये कॉमा है, इसका मतलब ये कि सेम फेज में, इट डजंट मीन कि Fe प्लस 2 से Fe प्लस 3 जा रहा है, ये उल्टा है, Fe प्लस 2, ठीक है। बैलेंस करो, इलेक्ट्रॉन हमेशा आंसर होनी चाहिए, ठीक है। ओवरऑल क्या कहती है, कि प्रोडक्ट साइड पे ये दोनों है, रिएक्टेंट पे ये है, तो Q इज इक्वल टू व्हाट, Zn प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन, Fe प्लस 2 होल स्क्वायर, Fe प्लस 3 होल स्क्वायर, इनकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग गिवन है, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रख दोगे, चलो रखी देती हूँ, Fe Zn प्लस 2 की कितनी है, 10^-2 इंटू Fe प्लस 2, 10^-6 डिवाइडेड बाय 10^-4, 6, 8, -8, 10^-4, तो यहाँ पे लिखोगे 10^-4, ठीक है। तो यहाँ से आप E नॉट निकाल लोगे, 1.71 E नॉट 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log 10^-4, ठीक है। तो ये आ जाएगा -4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, फिर ये करके आप E नॉट निकालोगे, E नॉट को कहाँ पुट करोगे, यहाँ पर, ठीक है, और L इक्वल्स टू है ही,
और आप यहाँ से के निकाल लोगे, ठीक है? ओके, इसको आप ऐसे कर लो, थोड़ा सॉल्व, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग के, ठीक है? इनोड यहाँ से आ ही जाएगा, बस आपको कुछ नहीं, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लेके जाना है, ये समथिंग आएगा 54, और यहाँ पे क्योंकि बेस 10 है, 10^54 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? इट्स बी, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत है जो बता देना, बट इतना आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? The overall reaction for the cell in the direct spontaneous change would be, अब देखो पहली वाली रिएक्शन क्या हो रहा है, Fe+2 रिड्यूस हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो रहा है, ये सारे रिडक्शन ही दे रखा है Ag से, हाँ सारा रिडक्शन है, सब में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ओके, सबका इनोड गिवन है। अब देखो इसने क्या बोला है कि कौन सा स्पॉन्टेनियसली फिजिबल होगा, है ना? अपन इनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, हालांकि वो नहीं भेजाओ, खाली वैल्यूज भेजाओ, मैंने क्या कहा, अगर सपोज रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव, इट मीन्स वो अपनी रिएक्शन नहीं चाहता, इट मीन्स वो खुद का रिडक्शन नहीं चाहता, वो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, ठीक है? तो स्पॉन्टेनियस चीज कहती है कि जो जो चाहता है वैसा वो हो जाए, है ना? ठीक है, सेल विद ए एंड बी, ए और बी को किया तो आयरन रिड्यूस होगा, क्या सच है? देखो ए और बी में देखो, आयरन वाले का है -0.08 और बी वाले का है -1.66, तो ये -1.6 मतलब खुद को रिड्यूस तो किसी के हाथ में नहीं करेगा आयरन के साथ, तो इट मीन्स ए का रिडक्शन होगा, बी का ऑक्सीडेशन होगा, तो हाँ आयरन रिड्यूस होगा, बट सेल विद ए एंड सी, अगर ए और सी को देखे जाए तो अब ए जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव में है, इट मीन्स वो नहीं चाहता है, तो इसमें आयरन रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि वो नेगेटिव में है, तो सी होगा इसमें, तो इसका फर्स्ट जो है ए वो तो क्रॉस, अब इसमें ए बी सी, मुझे पता थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बट आप प्लीज रिलेट करो, बी ऑप्शन में अपन देखते हैं, सेल विद ए एंड बी, हाँ आयरन रिड्यूस हो रहा था क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम नेगेटिव है, ठीक है? तो वो रिड्यूस हो जाएगा, बट अगर अपन ए और सी की बात करें तो आयरन विल ऑक्सीडाइज क्योंकि उसका वैल्यू स्टिल नेगेटिव में है एज कम्पेयर टू सी विच इज पॉजिटिव, ठीक है? सी अपना रिडक्शन चाहता है, तो इसका हो जाएगा बी, ठीक है? ओके, फॉर द सेल रिएक्शन दिस सेपरेट इलेक्ट्रॉन रिएक्शन कुड बी रिटन विद द रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है? When RT by this, तो कहते हैं of the equal mass of K is, रुको मैं पेन चेंज करती हूँ, फर्स्ट वन इसको रख कर देते हैं, ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो SN plus 4 से जा रहा है SN plus 2, ठीक है? हाँ, और एक जा रहा है SN से SN plus 2, ठीक है? ऊपर वाले में देखो, यही सही बात है, इसका हो रहा ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा रिडक्शन, सही बात है, ठीक है? अब पोटेंशियल देख लेते हैं, SN4 से SN2 जाने के लिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.15 वोल्ट। अब ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल देख रहा है SN+2 से SN का, तो यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा पॉजिटिव में, तो E0 हो गया 0.29 वोल्ट, ये हो गया E0 ऑफ द सेल। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो EMF 0 होगा व्हिच इज इक्वल टू ERT / NF ln k, ठीक है? E not क्या है 0.29 which is equals to RT by F, अब इसमें RT by F दे रखा है 25.7 millivolt divided by N, N कितना है 2, यहाँ पे है ln k, ठीक है? ओके, आपको ln k के टर्म में ही निकालना है, तो ये आ जाएगा 22.6 which is A। Fuel cell provide clean electrical energy to a variety of applications in the environment. Now only hydrogen combines to oxygen. Okay. If the butane is मतलब STP reaction दी हुई है, ठीक है? If the change in Gibbs free energy of the reaction is this, मतलब इसमें delta G दे रखा है, change है, तो it is 2746.06, ठीक है? Which is equals to minus NF E naught. Minus से minus किया क्योंकि free energy निकल रही है ना, Gibbs free energy. Okay. N कितना है 26, F क्या होता है फैराडे कांस्टेंट, दैट इज 96450, 485 होता है वैसे तो, चलो 485 ले लो, है ना? एंड वोल्टेज अभी को निकालना है, ठीक है? ठीक, तो ये अपन अभी तो निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 1.09 वोल्ट क्योंकि इसने बोला है ओपन सर्किट, ठीक है? तो ये हमसे पॉजिटिव भी होता है, दैट इज बी। Dominant contribution of the escaping tendency of a charged particle with a uniform concentration in a phase depends on
देखो ये अपन ने, देखो इसमें से ये कनेक्टेड नहीं है, बट अगर मैं बताऊँ, आपने अगर क्वांटम पढ़ा हो, पार्टिकल लॉस पढ़ा होगा, उसमें टनलिंग वाला चीज पढ़ा होगा, उसमें जैसे अपन पोटेंशियल पढ़ाते हो, ठीक है, तो उस पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि टनलिंग होगी या नहीं, ठीक है। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक की बात करें ना, तो स्कैटिंग और टेंडेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल विद यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन इन अ फेस डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द फेस, ठीक है, लेट इज बी। कुछ कुछ चीजें नहीं आती तो कोई बात नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं बस कनेक्ट कर रही हूँ, बाकी ये सब आंसर है इसलिए पता होता है, करेक्ट करना पड़ता है, कुछ चीजें अंदाजे भी लग जाती है ना। द करेक्ट एनर्जी फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग स्टेप्स, ठीक है, तो इसका ओवरऑल आप लिखोगे Zn प्लस टू। देखो इसका अगर अपन ओवरऑल रिएक्शन लिखे तो प्रोडक्ट में है K क्या होता है, Zn प्लस टू डिवाइडेड बाय कॉपर प्लस टू, ये तो है इसका, ठीक है। अब डेल्टा जी लिखना, तो डेल्टा जी की क्या होती है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी बाय एन एफ लॉग के, सॉरी एल एन, यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है ना, जब डेल्टा जी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अपन ने नर्स निकाली तो अपन कहते हैं माइनस एन एफ ई नॉट प्लस, यहाँ पे तो माइनस माइनस करके फिर यहाँ पे प्लस आता है, माइनस आता है, ठीक है ना, ओके। तो क्या करना है, अच्छा खाली ये लिखना था के इज इक्वल टू व्हाट, के क्या है, एक्टिविटी ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है, तो यूज करेगा डी, द टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल इज, देखो डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ टॉ, और टॉ क्या है, डेल्टा ई बाय डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो ये क्या होता है, डेल्टा एस बाय एन एफ, ठीक है, दैट इज सी। कंडक्टिविटी एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग अल्कली एम ओ एच शोज अ लीनियर फॉल इन कंडक्टेंस अप टू न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट बिकॉज ऑफ, तो ये आपको एडिट कर दिए, फास्टर मूविंग एच प्लस बीइंग रिप्लेस्ड बाय स्लोअर मूविंग एम प्लस, ठीक है, दैट इज सी। समझ गए ना कि ये जो है यहाँ पे अपना वॉल्यूम ऑफ बेस है वो एच माइनस कर दो, यहाँ पे एसिड है तो कुछ कंडक्टेंस होगी, देन ऐसे करेगा फिर एक्स्ट्रा जो होगा, ये तो अपना इक्विवेलेंस पॉइंट, यहाँ पे सारा एसिड खत्म हो चुका है, अब एक्स्ट्रा क्या है, बेस, तो इसलिए कंडक्टेंस बढ़ती है, और ये डिक्रीज क्यों हो रही है कि जो एच प्लस है वो रिप्लेस हो गए हैं एम प्लस से, एम प्लस कहाँ पे है, सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट क्या है, टोटली डिसोसिएटिव स्पीशीज, ठीक है, ओके। गिवन दैट ई नॉट दे रखा है, के एस पी दे रखा है, और अपन को इसका निकालना है, ठीक है, उस वाले में तक कर देती हूँ ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे पता पड़ेगा। तो यहाँ पे है क्या, इसमें के एस पी ऑफ एजीसीएल, के एस पी क्या होता है, देखो एजीसीएल है सॉलिड, के एस पी मतलब क्या, सॉलिड ए जी प्लस प्लस सी एल माइनस दिस इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, तो ये होगा इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है, इसमें इसका के एस पी दे रखा है 10^-5 माइनस, और हमेशा के एस पी हमेशा 10^ माइनस में ही होगा, ठीक है, कभी पॉजिटिव कभी कभी होता है कि आपको के एस पी निकालना होता है, तो अगर आप अंदाजा भी लगाओगे के एस पी हमेशा 10^ समथिंग नेगेटिव ही होगा, क्योंकि वो बहुत स्पेरिंगली सॉल्युबल है ना, इट मीन्स वो इजिली सॉल्युबल नहीं हो पा रहे, ठीक है। अब इसका के एस पी देखा, इसका मतलब क्या है, इसका ई नॉट अगर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, ई नॉट इज इक्वल टू आर टी बाई एफ, आर टी बाई एन एफ एल एन के, के क्या है 10^-5 माइनस 10, तो यहाँ पे आगे आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2.303 माइनस 10, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन कितना चेंज हो रहा है 1, इसको कर देंगे ये, और आर टी बाई एफ को मैं क्या लिख सकती हूँ 0.06 इंटू दिस, आर टी बाय एन एफ एल एन के, ठीक है, और इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ 0.06 डिवाइडेड बाय 1 लॉग के, के क्या है 10 माइनस 10, तो ये हो जाएगा इंटू माइनस 10, ठीक है 1, ओके, तो ये हो गया -0.68, ये हो गया इसका ई नॉट, ठीक है। और एक बार से देखिए ई नॉट ऑफ सी एल टू मतलब कि हाफ सी एल टू अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बनेगा सी एल माइनस है, और इसका ई नॉट दे रखा है 1.35 वोल्ट, ये सब दे रखा है, निकालना क्या है, हाफ सी एल टू मुझे इधर ही चाहिए, देन ए जी प्लस मतलब मुझे इस चीज को रिवर्स करना है, तो इसको अगर इसी क्वेश्चन को मैं लिखूं ए जी प्लस प्लस सी एल माइनस गिव्स ए जी सी एल सॉलिड, इसका इनोट कितना हो जाएगा +0.6, यहाँ माइनस पहले रिवर्स किया इनोट पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अगर अपन इस रिएक्शन को ऐड करें तो हाफ सी एल टू ए जी सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन इज गिवन सी एल से सी एल चला जाएगा और एजी सी एल, तो अपनी रिएक्शन आगे इसी का निकालना था ई नॉट, ठीक है,
तो इसका ई नॉट क्या निकाल लेंगे, डेल्टा जी ऑफ द थर्ड, ठीक है, इसमें कितना है डेल्टा जी ऑफ वन, ये हो गया वन एंड टू, प्लस डेल्टा जी ऑफ सेकेंड, माइनस एन कितना है वन, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन चेंज है जो दिख रहा है, एन एफ ई नॉट मुझे निकालना है, इस वाले के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन चेंज है दिस वन, और ई नॉट कितना है माइनस वन पॉइंट सॉरी 1.35 प्लस माइनस एन एफ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज वन एफ वन ई नॉट 0.6 वोल्ट, ठीक है, तो माइनस ई नॉट विच इज इक्वल टू माइनस 1.35 माइनस 0.6 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो इट विल कम आउट टू बी 1.95 वोल्ट, ठीक है, तो इट इज डी, समझ में आया, पहले अपन ने उसके अकॉर्डिंग लिखा जो गिवन है, देन उसके बाद अपन को बस ऐड करना था, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द प्लैटिनम दिस एजीसीएल, ठीक है ठीक है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज, ओके, टेम्परेचर रिलेशन देख रहे हैं ईएमएफ का, ये अपन ने कहां पढ़ा है एंट्रोपी वाले के अंदर, एंट्रोपी इक्वल्स टू एनएफ डेल्टा ई बाय डेल्टा टी, अगर एंट्रोपी डिक्रीज करती है समहाउ, तो देखो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ टॉप, टॉप का मुझे रिलेशन निकालना है, अगर एंट्रोपी डिक्रीज करती है सपोज, जो कि डिक्रीज कर रही है बिकॉज गैस से सॉल्यूशन में जा रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज कर, तो इट इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है टॉ नेगेटिव, टॉ नेगेटिव का मतलब क्या है कि डेल्टा ई बाय डेल्टा टी इनका इनवर्स रिलेशन होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डेल्टा टी डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये मतलब ईएमएफ डिक्रीज करेगा, तो इनका इनवर्स रिलेशन आ रहा है क्योंकि एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे है बी डिक्रीज विथ टेम्परेचर, जैसा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, बस इनवर्स रिलेशन देखना है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोरेशन एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर इन अ गिवन मीडियम इज डिपेंडेंट अपॉन, अब देखो अगर ई नॉट की अगर बात करें तो ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है कि एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, जो ई नॉट है वो फिक्स है, इनिशियल बात करो चाहे फाइनल या पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने बात करो, ई नॉट फिक्स है, ठीक है, तो बी और सी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, और वैसे तो ये है द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड कंपोजिशन, क्योंकि जब अपन बाद में भी और पढ़ेंगे दो तरह की रिएक्शन होती है, अपन पढ़ेंगे अपने जस्ट नेक्स्ट, ये अपन पढ़ेंगे जस्ट नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर, जिसमें बताऊंगी, देखो दो तरीके के अपने सेल हो सकते हैं, एक होता है कंसंट्रेशन सेल, जिसके अंदर अपनी दोनों जो कंपार्टमेंट है उनकी कंसंट्रेशन वैरी करती है भले से सेम हो, ई नॉट अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे, और दूसरा होता है जिसमें इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन चेंज हो, ठीक है, तो दोनों तरीके के सेल अपने पास अवेलेबल होते हैं, दोनों तरीके के सेल अपने वर्किंग होते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी इलेक्ट्रोड रिएक्शन और इलेक्ट्रोड कंपोजिशन, मैं पेन चेंज कर दूंगी आपकी, ठीक है, ऑन टाइट्रेटिंग NaOH विद अ मिक्सचर ऑफ दिस, अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो एक डिफरेंस है, यहाँ पे वॉल्यूम एक्सेसिबल नहीं है, इसने बोला है कि मेरा पहले मेरे पास NaOH है और मैंने वॉल्यूम पे क्या लिया है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक बात है, ये इसने बोला है मुझे निकालना है, पर पहले अपन क्या करते हैं, अपने जो पढ़ा है वही कर लेते हैं कि मेरे पास वीक एसिड और ये अपने कंपार्टमेंट में और टाइट्रेशन पे क्या है NaOH, सपोज तो कंडक्टिव स्टार्टिंग में इतनी है, ठीक है, ओके, अब मैंने टाइट्रेट किया, मैंने NaOH डाला, तो ऑब्वियसली पहले स्ट्रॉन्ग एसिड इस पर रिएक्ट करेगा, इतना हो गया, अभी स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा खत्म हो चुका है, यहाँ पे बचा क्या है वीक एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे समहाउ कंडक्टिव इंक्रीज करेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, थोड़ा बहुत तो वीक एसिड इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, बट स्ट्रॉन्ग बेस स्टिल है आ रहा है, ठीक है, जहां पे पूरा वीक एसिड भी खत्म हो गया था, उसके बाद कंडक्टिव इंक्रीज करेगी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, बट मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे NaOH यहाँ पे चाहिए कंडक्टेंस की जगह पे, और यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, तो इसको इसी ग्राफ को जस्ट रोटेट कर लो ऐसे, ठीक है, तो ये जो ए जो गिवन है ना, ये अपना आंसर नहीं है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में आपसे उल्टा पूछा है, ठीक है ना, तो इट इज सी, आपको सिर्फ कुछ नहीं बस रोटेट करके देखना है, आपको पहले निकालना होगा जो आप पढ़ते हुए आए हो कि आपका बेस अपने पास बाहर से आ रहा है और एसिड अपने पास पहले से है, ठीक है, आपने जो पढ़ा हुआ है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है और टाइट्रेशन विद NaOH, अच्छा एक और चीज, ये ग्राफ मैंने कहाँ करवाए हैं, एक मैंने वीडियो बनाई थी ऑल टाइट्रेशन करके, मैंने वहां पे सारे पोटेंशियोमेट्रिक और जितने भी कंडक्टोमेट्रिक मतलब सारे जो टाइट्रेशन होते हैं ना जितने मैंने पढ़े हैं अब तक वो सारे मैंने वहां पे करवाए, एक बार प्लीज देख लेना आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा, और यहाँ पे मैंने इसका थंबनेल बता रखा है, लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एक बार देख लेना, ठीक है, वहां पे मैंने सारा डाल रखा है, समझ जाओगे,
बाकी थोड़ा बहुत समझा मैंने यहाँ पे भी दिया है, अगर नहीं भी देखना तो यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। गिवन है जिंक और दिस, दिस द फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ दिस। आपको ये फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालना है, इसका क्या मतलब है? देखो Zn फॉर्मेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है, Zn प्लस 2 होगा, NH3 चार मॉलिक्यूल होंगे और ये मेरा बनाएगा NH3 होल 4 प्लस 2, ठीक है। ये मेरा होना चाहिए फॉर्मेशन कांस्टेंट K, मुझे ये निकालना है, ठीक है। अब गिवन क्या है, Zn से मतलब यहां पे है Zn, यहां पे है अमोनिया, 4 अमोनिया विल गिव दिस कॉम्प्लेक्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसका यहां मुझे दे रहा है, हां तो मुझे कॉम्प्लेक्स साइड में चाहिए, तो इसका इनोड में प्लस लेके ही चल लेती हूं, ठीक है। अब इससे क्या निकला Zn और Zn प्लस 2, पर मुझे Zn प्लस 2 इधर चाहिए, तो इस रिएक्शन को मैं उल्टा लिख दूंगी, Zn प्लस 2 से Zn, है ना। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए और यहाँ पे जो इसका इनोड है इसको भी नेगेटिव करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको रिवर्स किया है, ठीक है। अब इनोड थी टोटल कितना हुआ, देखो टोटल इसमें चेंज कितना है 2F, इनोड मुझे निकालना है, इस वाले में कितना है 2F, इनोड कितना है 1.03 माइनस, है ना, माइनस 2F 0.763, ठीक बात है ना, क्योंकि मैंने रिवर्स किया ना तो इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो E नॉट विच इज इक्वल टू 2F चला जाएगा, माइनस E नॉट इज इक्वल टू माइनस 1.03 माइनस प्लस 0.763, ठीक है। तो E नॉट मैं यहाँ से निकाल लूंगी। अब मुझे निकालना क्या है, फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट मतलब क्या, एक तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे E ऑफ द सेल 0 होगा, तो E नॉट विच इज इक्वल टू RT बाय NF, N कितना है 2 log k, यहाँ पर 2.303 भी आएगा, ठीक है। अब ये वाली चीज भी क्या हो रखी है, हाँ इस चीज को ले लो पूरा कितना 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log k, यहाँ पे e नॉट मुझे गिवन है तो यहाँ से मेरा k निकल जाएगा, ठीक है, विच विल कम आउट टू बी 1 × 10⁻⁹, विच इज c,